ये हमारा क्रैंक हो गया, ये कनेक्टिंग राड हो गई, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही, ये सी डी ओ नाम रख दिया, ठीक है। ये मान लो 60 आरपीएम से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दिया है मान लो तुम्हारा 1 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, ठीक। तो सबसे पहले जो भी अभी तुम्हारा ये एंगल दे दिया 60, जो भी तुम्हारा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो या तुम्हारी इससे पहले जो हमने बताया कि चाहे वो हमारी 4 बार चैन मैकेनिज्म, सबसे पहले ये फिगर विद मेजरमेंट से विद एंगल से बनाते हैं। बनाने के बाद उसमें क्या करते थे हम, जो फिक्स होता था, जो तुम्हारा लिंक फिक्स होता था उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते। इसमें नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसमें उसी तरीके से आरपीएम दिया है तो 2π n/60, तो ये हो जाएगा 2π × 60/60, ठीक। तो 2π ये आ गया, अगर इसका रेखीय वेग निकालो सी डी का तो 2π क्या होता है ओमेगा आर, ओमेगा ये हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, सी डी ये दिया 1, मीन्स ये कितना आ जाएगा 2π, ठीक। 2π मतलब तुम्हारा आ गया 6 point something के करीब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। तो वेलोसिटी डायग्राम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिंदु ये लिए और उसमें क्या करते थे, हम एक बिंदु लेते थे, उनको जो फिक्स एंड होते फिक्स लिंक होता था उसको नाम, इसमें हम मतलब हमें बिंदु लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये जो लाइन ऑफ एक्शन वाली सी डी है इसके पैरेलल रेखा खींचते हैं, पैरेलल खींचना है समानांतर, ये सेट स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, सेट स्क्वायर रखेंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लंबवत आ जाएगी, आ गई। फिर दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे इस तरीके से, मान लो हमने ये इस तरीके से रखा, ये रखा तो ये क्या आ गई, इसके इसके परपेंडिकुलर आ गई लंबवत, तो ये इसके समांतर हो जाएगी, ये रेखा हमने एक समांतर रेखा इसके समांतर रेखा खींच लिया, इसको नाम रख लिया ओ, ठीक। कितनी लंबी है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सी डी है सी डी के लंबवत रेखा खींचते हैं, ये सेट स्क्वायर रखा, ये क्या आ गई, इसके लंबवत। अब इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये ट्रेस कर जाएगी, इसके सामने आ जाएगी, इसकी ये आ गई। अब ये कितनी आई है, कितनी होगी 6.7, तो ये हम क्या कर लें कि 1 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर मान लें, तो ये क्या हो जाएगा 6.7, स्केल से 6.7 की दूरी ले लेंगे, ये आ गई, ये आ गई, ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हो गई, ये हो गई, ये रेखा बची, ये सेट स्क्वायर रखा इस तरीके से आगे पीछे बढ़ाया, जहाँ ये ट्रेस कर जाएगा, ये लंबा सा होता है इस तरीके से, इसे ट्रेस करता है, ये ट्रेस करेगा, खींच देंगे, ये हमें मिल जाएगा सी पॉइंट, ठीक है, हो गया। तो जो हमारी ये पूरी जो रेखा, ये हमारा हो गया वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। अब हमें जो जो चीज़ें ज्ञात करना है, जो जो चीज़ें ज्ञात करना है, तो उन उसको अब जैसे हमें इस लिंक का रेखीय वेग ज्ञात करना है, तो ये जैसे ये ओरिजिन था, ये था, हमने ये सी से
सबसे पहले क्या किया, ये वाला इसके समांतर ये खींच लिया, इसको बिंदु ओ ना रखना, सी नाम रख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये वाली जो रेखा है जिसमें मूवमेंट, उसका रेखीय वेग निकाला और इसके लंबवत रेखा खींचा था हमने, ये खींच लिया, ये 6.7 आई, कट कर लिया, ये हमें डी मिल गया। अब डी, इस डी बिंदु से ये वाली जो रेखा है ये रखा, ये रखा, ये आ गई इसके लंबवत रेखा, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया, जहाँ पे कट करेगी वो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है, यहाँ पे कट करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ओ, ठीक। तो ये हमारा बन गया वेलोसिटी डायग्राम, किसका, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। अब मान लो पूछा जा रहा सी डी का, सी डी का तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, अगर ओ डी का पूछा जाए, ठीक है, इसका ओ डी का, तो स्केल उठाएंगे ये मेजर कर लेंगे, मान लो मेजर करने पे ये आ गया हमारा 2.1 सेंटीमीटर में आएगी, तो इसको ये तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो 2.1 सेंटीमीटर आया, इसको कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 2.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, उसी का आएगा, ये मेज़र कर लेंगे। अगर इस पे जैसे उसमें था कोई बिंदु M दे दिए और ये हमने कह दिया ये है हमारा 1, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का, तो M बिंदु कहाँ पे होगा, जैसे अभी उसमें किया था तुम्हारे फोर बार चैन मैकेनिज्म, सेम उसी तरीके से करेंगे, डी एम बाई डी ओ, ठीक, स्मॉल डी एम स्मॉल डी ओ, डी एम 1 और ये 2 है, डी एम यहाँ पे कहीं पे, एम बिंदु यहीं पे कहीं पे होगा, पता नहीं है, डी एम हमें निकाल, और डी ओ क्या है, ये मान लो मेजर किया हमें 2.1 आ गया या 1 आ गया, अब इसको मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एम बराबर आ गया हमारा 1 मान लो, ठीक, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये एम बिंदु हो जाएगा, इसको इससे मिला देंगे। अब एम का अगर पूछे तो स्केल उठाएंगे, ये मेजर करके लिख देंगे, ठीक, वी एम। तो ये होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम।